हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो? आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। मैं हूँ अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ मैं क्योंकि आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे रिगार्डिंग इंडियन एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप 2021 एज रिलैक्सेशन। आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स मैंने पढ़े और जिसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जिससे आप लोगों को लग रहा था मैं सपोर्ट नहीं कर रहा उन चीज़ों को। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब पहली बार हुआ था आप लोगों के साथ जो रैलीज हुई थी और रैलीज के टाइम पे आपको प्रॉब्लम हुई थी और वहाँ पे जो लिस्ट थी उसमें भी प्रॉब्लम थी, उस टाइम पे मैंने सबसे पहले वीडियोस बना के आप लोगों को बता दिया था और वो चीज़ें बहुत टाइम तक की थी हम लोगों ने, जिस वजह से हमारी लिस्ट भी सही तरीके से हुई थी। तो मेरा बोलना यही है कि हो सकता है मैं बिजी हूँ, हो सकता है मैंने वो चीज़ें नहीं जानी है क्योंकि यूट्यूब पे वो सब ज़्यादा मैं नहीं देखता हूँ और मुझे नहीं पता था, लेकिन आज ग्रुप में भी बच्चों ने बताया मुझे और सब कुछ बताया तो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई। और इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें लोग बोल रहे थे कि कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो इस वजह से ये चीज़ें मैंने नहीं की थी। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ये चीज़ें जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों की वजह से ही सब कुछ है और मैं जैसा भी हूँ जो भी हूँ आप लोगों के सपोर्ट के कारण ही हूँ। तो मेरी ओर से कोई दिक्कत नहीं है, फुल सपोर्ट है मेरा। और जितने भी डिफेंस के क्रिएटर्स हैं जो कि मुझे देख रहे हैं, जिनका 10,000 सब्सक्राइबर है, जिनका 10 लाख सब्सक्राइबर है, सब लोग थैंक यू सो मच, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं सभी लोगों का और मैं आप लोगों के साथ हूँ, जो भी आप लोग बोलो जैसे भी बोलो वो सब कुछ, क्योंकि मैं डिफेंस कैटेगरी का हिस्सा हूँ तो इसलिए मेरी और जिम्मेदारी बढ़ जाती है इस चीज़ को लेकर के। और डिफेंस वाले अगर साथ में आ जाएं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज़ आपको बता दूं मैं कि जितने भी लोग इंडियन नेवी के, इंडियन कोस्ट गार्ड के कैंडिडेट्स हैं उन सभी लोगों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज़ सपोर्ट करो। एयरफोर्स के भी जो कैंडिडेट्स हैं, जो भाई लोग आपके हैं, उनको सपोर्ट करो। अगर आप एयरफोर्स की तैयारी नहीं कर रहे हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, लेकिन प्लीज़ सपोर्ट करो क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है नेवी के लिए भी ये काम हमें करना पड़े। तो उस टाइम पे सभी लोग साथ देंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलो, जो भी क्रिएटर्स हैं उन सभी को बोलो, किसी को गालियां मत दो क्योंकि वो लोग भी बिजी रहते हैं, आपके लिए काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं। तो उनको हेट मत फैलाओ, उनको प्यार से बोलो भैया अंकल जो भी आप बोलते हो उनको बोलो सर, बोल करके कि प्लीज़ आप इस चीज़ में सपोर्ट करो, ऐसे करना है। बाकी जो चीज़ें आप बोलोगे आपकी सभी चीज़ें सराखों पे है, सब कुछ वैसे ही करूंगा, पूरा सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है मेरा। जहाँ पे भी आपको कोई चीज़ों की ज़रूरत होगी, कुछ भी ज़रूरत होगी, मैं आप लोगों के साथ में हूँ। बाकी आप जो भी बोलो, ट्विटर पे कंपेन करना है, जैसे भी करना है वो सब, उसके लिए मैं साथ में हूँ। बाकी टीचर्स भी साथ में आएंगे, बहुत लोगों का देखा, एक मैंने वीडियो देखी संजीव सर की, एक ऑनलाइन एजुकेशन अंशु जो है, अंशु की वीडियो मैंने देखी, उन सभी लोगों की वीडियो देखी और वो सभी लोग सही कर रहे हैं। बाकी जो भी लोग जैसे भी सपोर्ट करते हैं उन सभी का सपोर्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, मे बी हमें एज रिलैक्सेशन मिल जाए। ईमेल भी करने को मैंने अभी बीच में आप लोगों को बोला था तो ईमेल भी कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करोगे तभी हो पाएगा क्योंकि 22 तारीख से ऑनलाइन एप्लीकेशन इनका स्टार्ट है, तो मे बी उसके पहले कुछ ये चीज़ें कर दें, है ना। तो आप लोग करो और मुझे भी बताओ अगर कुछ और करना है तो, ठीक है। तो आई होप कि मैंने समझा दिया हो जो चीज़ें मेरे तरफ से है, कोई कन्फ्यूजन मत रखना मन में, जो भी है बोल देना, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज।